हाय दोस्तों, A4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए हैं और आप चाहते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम पुराना वाला अकाउंट वापस आ जाए, तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि जैसे आपका व्हाट्सएप पुराना अकाउंट चाहे 6 महीने का या फिर 1 साल का पुराना वापस आ जाएगा। उसके लिए आपके पास 3 चीज होना जरूरी है। पहला, आपके पास फ़ोन नंबर, या फिर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं याद है तो दूसरा ऑप्शन है ईमेल आईडी आपके पास है तो वो आपका पुराना अकाउंट रिकवर हो जाएगा। अगर आपके पास ईमेल आईडी भी नहीं है तो एक ऑप्शन और बचता है, वो है यूजर नेम। अगर आपने जब अकाउंट बनाए थे, अगर आपका यूजर नेम याद है तभी आपका अकाउंट वापस आएगा, या फिर आपका फ़ोन नंबर पता है तभी आपका अकाउंट वापस आ सकता है। तो इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ सबके पास जरूर होता है, चाहे आपके पास फ़ोन नंबर होगा या फिर आपने यूजर आईडी आपने बनाए थे और आपको याद है कि हमारा यूजर आईडी ये है, तो यूजर आईडी यहाँ पे डाल लेंगे जहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो ये अगर आपके पास यहाँ पे फ़ोन नंबर याद है तो फ़ोन नंबर डालिए, यूजर आईडी मेरे पास याद था तो मैं यूजर आईडी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे यूजर नेम अपना डाल लेंगे जो भी आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते समय यहाँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना यहाँ पे डाल लिया है। जैसे कि आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे अच्छे से कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया है, आप भी डाल लीजिएगा। अगर आप यूजर नेम डाल लिए हैं और आपका पासवर्ड अब तो याद नहीं है क्योंकि 1 साल पुराना या फिर 6 महीने हो चुका है और उस समय आपने जो पासवर्ड डाला था अब वो आप भूल चुके हैं, तो उसके लिए आपको कोई ये नहीं सोचना कि हमारा पासवर्ड अब क्या है और कैसे पता करें। उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे गेट हेल्प लिखा हुआ है, ये व्हाइट कलर में जो यहाँ पे फॉरगेट योर हेल्प लॉगिन लिखा हुआ है इसके बाजू में आपको मिल जाएगा गेट हेल्प, तो इस पे ही आपको क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे एंटर यूजर नेम या फिर फोन नंबर या फिर आप अपना जो भी जिससे भी अकाउंट बनाए थे या फिर क्रिएट किए थे, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया हूँ कि अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर डालिए, अगर आपके पास यूजर आईडी है तो वो यूजर नेम वो डालिए। तो चलिए, हमने अपना यूजर नेम यहाँ पे डाल लिया है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो आपके फ़ोन में नेट ऑन होना चाहिए, तो मेरे मोबाइल में नेट ऑन कर लिया है। अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ने के लिए क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे और दो ऑप्शन आते हैं, आप किस पे मंगाना चाहते हैं, अपने SMS पे, या फिर दो ऑप्शन यहाँ पे शो होते हैं, या फिर ईमेल आईडी। अगर आपने ईमेल आईडी ऐड करके रखा हो तो ईमेल आईडी पे आप मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, तो फ़ोन पे अगर आप मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पे फ़ोन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके फ़ोन पर कोड आएगा और उस कोड को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, यानी डाल लेना है। तो चलिए, हम यहाँ पे अपना आ चुका है कोड डाल लेते हैं। आपका कोड सही रहेगा तो आपको यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं, ये जैसे कि आप देखेंगे तो ये पूरा आपका जो है वो लाइट ऑटो में हो जाता है और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना रहता है आपको यहाँ पे कोड डालने के बाद। तो चलिए, हम यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद यह देखिए हमारा इंस्टाग्राम पुराना अकाउंट, क्योंकि हमारे 6 महीने हो चुके थे या फिर 1 साल भी आपका हो चुके तो आप रिकवर कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट रहता है, इस पर आप क्लिक करना है और आप देख सकते हैं मेरे पोस्ट मैंने किया था ऐसा फॉलोवर फॉलोविंग, तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल सकता है और इस तरह आप तो वो या फिर ईमेल आईडी डालकर आप पुराना अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट